हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्रोप एडवर्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस लेके आए हम आपके रिलेटेड, उनकी एक्सेसरीज के रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ पाए और आप उन्हें मिस ना करें। सो जैसे कि हम बर्ड्स रखते हैं, आपने देखा ही होगा, बर्ड्स रखने के टाइम में हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो लॉफ्ट जो है हमारा, या जो हम केजेस यूज़ करते हैं, उनमें गंदगी होती है, रहती है, हम उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते। तो स्मेल आना शुरू हो जाती है, कुछ कीड़े पैदा हो जाते हैं, मच्छर मक्खियाँ हो जाती हैं हमारे लॉफ्ट्स में। सो उनको क्लीन रखने के लिए एक सोल्यूशन लेके आए हम। ये देखिए, ये बेसिकली नेस्ट बाउल है, जो अपने पिजन्स के लिए, डव्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या अदर बर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है, ये पूरी ग्रिल बनी है, इसमें जाली बनी है। देखिए, जाली का बेनिफिट ये रहता है कि ये एयर क्रॉसिंग रहती है। जो हम नॉर्मली मिट्टी के कुज्जे यूज़ करते हैं, उनमें क्या रहता है, वो नीचे से बंद रहते हैं। सो अगर उनमें कुछ पानी गिरता है, बीठे वगैरह गिरती हैं, तो वो खुद गीले हो जाते हैं, या वो बेसिकली पूरा ड्राई नहीं हो पाते, तो जिसके कारण उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या हम उसको पूरा क्लीन नहीं कर पाते। सो उसके लिए ये इसमें होल्स दिए गए हैं, ये जाली बनी हुई है, ताकि एयर क्रॉसिंग रहे। अगर वो गीला होता भी है तो वो सूख जाए। ये बॉर्डर ग्रिल बनी है इसमें, ये देखिए। होता क्या है, बीठे जब करते हैं चिक्स, तो ये बॉर्डर में बेसिकली बीठे आ जाती हैं, ये गंदगी आ जाती है। उस कंडीशन में आप इसको उतार के वॉश करके दोबारा से लगा सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि बर्ड्स को हम हटा नहीं सकते, एग्स अगर उन्होंने दिए तो वो हटा नहीं सकते। तो बेसिकली इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आप इसको पूरा एज इट इज़ साइड करके, जो नीचे का एरिया है आप उसको क्लीन कर सकते हैं, या इनको आप उठा के इसको वॉश करके दोबारा से अपने बर्ड्स के नीचे रख सकते हैं। ये मैट होता है बेसिकली, इसमें ये नारियल का बना हुआ, छिलके का, नारियल के, ये इस टाइप में इसमें फिट हो जाता है। इसमें एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे पूरे सेफ रहते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट रहता है, तो यहाँ से अंडे नहीं टूटते। अब ये देखिए, यहाँ से ये पूरा फिट हो जाता है इसमें। अगर वो ज़्यादा, जब बच्चे निकल जाते हैं, ज़्यादा बीठे करते हैं, पानी ज़्यादा होता है उनकी बीठों में, तो वो यहाँ से रुकता नहीं है, और वो इस कोकोनट पैड से नीचे जाके ये ग्रिल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। सो ये ड्राई रहता है मैक्सिमम। ड्राई रहने के कारण जो हमारे चिक्स हैं वो बीमार नहीं होते, हम इनको ईजिली वॉश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, गंदगी नहीं फैलती, स्मेल नहीं आती। सो उससे हमारा बचाव हो जाता है इन पैड्स के थ्रू। सो ये नेस्ट पैड हैं और ये नेस्ट बाउल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने लॉफ्ट को साफ़ सुथरा और क्लीन बनाने के लिए, अपने बर्ड्स को सेफ रखने के लिए। सो अभी एक और चीज़ दिखाएंगे हम आपको, ये है पिजन होल्डर्स। अपने बर्ड्स को अंदर डाल के यहाँ से गर्दन बाहर निकाल देंगे, यहाँ से उसकी पूंछ बाहर निकाल देंगे आप, उसके बाद अपने बर्ड्स को आप फीडिंग करवा सकते हैं या मेडिसिन दे सकते हैं। सो उसके लिए यूज़ होती हैं, दो अलग अलग टाइप के हैं हमारे पास। ये देखिए, इसमें भी ये पूरी खुला एरिया है, वेंटिलेशन के लिए पूरा हवा आएगी अगर आप बर्ड को इसमें बीच में डाल रहे हैं तो। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में है। सो फीडिंग के टाइम में, अगर बीमार होते हैं, मेडिसिन देने के टाइम पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, बेसिकली रिंग स्टैंड्स हैं, जो आप अपने बर्ड्स को रिंग्स यूज़ करते हैं, आप इसमें डाल के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके पास ज़्यादा रिंग्स हैं, 100 रिंग्स हैं, आपने 10 ही यूज़ किए हैं, तो बाकी इसमें डाल सकते हैं, या आप अलग अलग कलर के, अलग अलग ईयर वाइज यूज़ करते हैं, तो वो आप इनको रख सकते हैं, इस टाइप में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ रखी हैं ऐसी रिंग्स, जैसे हमने सैंपल्स रखे हैं रिंग्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिंग्स, जो कभी आपको यूज़ करना हो तो आप इसको यहाँ से ओपन करके इन रिंग्स को निकाल सकते हैं, जो रिंग्स चाहिए, और उसके बाद दोबारा से अगर आपको निकाल के डालना है तो इनमें दोबारा स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है ये रिंग्स रखने का। ये दो टाइप्स में अवेलेबल है हमारे पास, आप देख सकते हैं, इनमें 4 स्टिक्स हैं, 4 डंडियाँ हैं, और इसमें 5 डंडियाँ हैं। सो नॉर्मली रिंग्स को स्टोर करने के लिए ये इसमें बेसिकली होल है, इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं,
अपने लॉफ्ट में इजीली रख सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी एक्सेसरीज है ये बेसिकली रिंग्स के लिए। आज की पूरी वीडियो जो है हमारी वो लॉफ्ट क्लीनिंग पे और उसी के रिलेटेड एक्सेसरीज पे देख सकते हैं आप। ये स्क्रैपर्स हैं जिनसे आप अपने लॉफ्ट को इजीली क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में 8 इंचज साइज़ है इसका। इजीली आप अपने जो लॉफ्ट है उनको क्लीन कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे नेस्ट हैं उसके नीचे साइडों में बीठे हो जाती हैं, उनको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये दो तीन तरह के हमारे पास हैं, दो तरह के अभी हम दिखा रहे हैं, एक और आता है। इसमें साइजेस छोटे में आते हैं, 4 इंचज में, 6 इंचज में भी अवेलेबल है। ये हमारे पास 10 इंचज में अवेलेबल है, 8 इंचज में अवेलेबल है। सो बहुत ही सॉलिड और हैवी क्वालिटी में है, जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। इजीली आप इस वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वे है अगर आपको इसमें वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो क्लीनिंग में यूज़ होने वाले स्क्रैपर्स हैं जो हमारे लॉफ्ट को क्लीन रखने में मदद करते हैं। सो आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।